मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सो गाइज वेलकम बैक करते हो आप लोगों को फिर से हमारी एक नए वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ा सा अलग लेवल का होने वाला है, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद आप शायद अगले सीजन ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे। देखो ये ग्रैंड मास्टर जब हमारे इंडिया सर्वर में एकदम पहली बार आया था ना, तो उसके दो तीन सीजन बाद ही मैंने ग्रैंड मास्टर पुश किया था, वो भी सिर्फ दो तीन घंटे के लिए। अरे उस टाइम मैं नूब था यार, समझा करो भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो अभी बन सकते हो इसके सभी बॉस अमित भाई, अज्जू भाई, नूबड़ा, मतलब प्रो प्लेयर जो भी है बन सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस मेरा तरीका फॉलो करना पड़ेगा। देखो मेरी सबसे तो रैंक पुश करना सबसे ज्यादा डुओ पीजी होता है, बिकॉज अगर आप सोलो पे रैंक पुश कर रहे हो और एक बार अगर मर जाते हो तो आपको रिवाइव करने वाला कोई नहीं रहेगा। और अगर आप स्क्वाड में रैंक पुश करना चाहते हो तो आपके जो टीममेट्स हैं उनको बनना पड़ेगा खतरनाक प्रो प्लेयर। अगर वो लोग नूब हुए तो आप लोग एकदम से पहले जाओगे और माइनस भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो उस वजह से मेरे हिसाब से तो डुओ में रैंक पुश करना काफ़ी बढ़िया होता है। आप डुओ में पुश कर सकते हो अगर आपका पार्टनर अच्छा हो तो। अब हर बंदे का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है लैंड कहाँ पे करना चाहिए। अब देखो तुम मैप में एकदम मतलब पहले उतर जाओ या तो एकदम लास्ट में उतर जाओ, लेकिन मतलब एकदम बीच में नहीं उतरना। अगर बीच में उतरोगे तो एकदम से पहले जाओगे, ठीक है। सो गाइज ये हमारा लास्ट पॉइंट है और इसमें आपको क्या करना है, आपको ना हमेशा जोन के साथ में जाना चाहिए, तभी आपके पास 90% जीतने का चांस रहता है। और अगर आप मतलब जोन के एकदम मिडिल पॉइंट पे चले जाते हो और किसी घर में जाके कैंपिंग कर रहे हो तो आपके पास वो चांसेस रहते हैं, मतलब 20% चांसेस रहते हैं जीतने के। बिकॉज सोचो कि 30 बंदा अलाइव है या 40 बंदा अलाइव है और आपको पता है कि जोन कहाँ पे ख़त्म होगा, तो आप किसी घर में जाके कैंपिंग कर रहे हो, आपका पार्टनर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है कोई अच्छा सा स्क्वाड या कोई अच्छा सा डुओ टीम एंटर कर जाता है और आपको पेल के चला जाता है, तो आपका एकदम बहुत बड़ा 30-40 का माइनस लग जाएगा। तो उस हिसाब से कभी वो नहीं करना, हमेशा जोन के साथ जाना, जोन को अपना पार्टनर बना लेना, ठीक है, हमेशा जोन के साथ जाना। तो जोन के साथ जाओगे तो आपके पास टॉप 10 में जाने का एकदम मतलब बढ़िया तरीके मतलब चांसेस रहता है और जीतने का तो चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहता है। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको ये बस शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी मन में वो कर देना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्क्वाड में पुश कर रहे हो तो आपके टीम में एक स्नाइपर प्लेयर जरूर होना चाहिए, बिकॉज अभी तो स्नाइपर का जमाना चल रहा है। M82B से सब टपाटप मार रहे तो आप टिक नहीं पाओगे यार। अगर आपके पास एक M82B प्लेयर हो, एक या दो, तो आप कोई भी मैच बहुत ईजिली जीत सकते हो, मतलब स्क्वाड में पुश कर रहे हो तो। मैंने भी तो मतलब बताया डुओ में पुश करने के लिए, तो स्क्वाड में पुश कर रहे हो तो स्नाइपर प्लेयर जरूर से जरूर अपना।